नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुलिशा है और आज हम यहाँ पे IYC और जवाहर बाल मंच की तरफ से आए हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता से चर्चा करने के लिए, जो हमें भारत में आने वाले कोविड की तीसरी वेव और उसका पड़ने वाला बच्चों पे प्रभाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाल में ही हमने एक्सपर्ट्स की बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि जब भारत में तीसरी वेव आएगी तो उसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़े स्तर पे बच्चों को पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए कुलिशा जी, लगातार वेव थ्री के बारे में एक्सपर्ट्स बताते रहे हैं, मीडिया ने भी इस बारे में जोर दिया है कि जो वेव थ्री आएगी वो खासकर बच्चों को अफेक्ट करेगी और बच्चों के बारे में चिंता बड़ी स्वाभाविक है, जो देश का भविष्य है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 30% के आसपास बच्चे वेव थ्री में अफेक्ट होंगे। और जो शुरुआती बात कही गई है वो ये कहा गया कि न्यूमोनिया होगा और मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर वाली स्थिति आएगी। तो जो भी तैयारियां होंगी उनको फोकस करके रखनी है और हमें लगता है कि दवाओं के बारे में तो बहुत सारी बातें कही गई है लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेहतर होगा कि बच्चों में भी सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का जो पालन करने के बारे में लगातार बताया गया है वो अभी ही कड़ाई से किया जाए और स्कूल वगैरह खोलने के बारे में सरकारों को अभी हिचकना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि पहले दो वेव और तीसरी वेव में सबसे बड़ा अंतर ये रहेगा कि उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहेगा। इस स्थिति में लोगों के लिए और खास तौर से बच्चों के लिए, यंग पेरेंट्स जो हमारे उम्र के माता पिताएं हैं, उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं? देखिए कुलिशा जी, अभी तो बच्चों की भी वैक्सीन आई नहीं है, बहुत शुरुआती स्टेज में है विदेश में ट्रायल में। तो जब वैक्सीन नहीं है तो जो पहली गाइडलाइन बताई गई थी हमको कि कोरोना के विरुद्ध सबसे अच्छी गाइडलाइन ये है कि मास्क पहनना है, भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है, हाथ धोने के अनुशासन का पालन करना है, वो यंग पेरेंट्स और बच्चों को फॉलो कराना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग वैक्सीन से सुरक्षित देश घोषित नहीं हो जाते हमको सामाजिक गाइडलाइन का पालन बहुत सख्ती से करना पड़ेगा हर उम्र के वर्ग के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप घरों में रहते हैं तब वहां पर भी सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ओके, बच्चे अब हमारे देश में बहुत बड़ा रिस्क ग्रुप होने वाले हैं, तो आगे आने वाली तीसरी वेव की तैयारी के लिए सरकार को क्या ऐसे कदम लेने चाहिए कि वो इन बच्चों की सुरक्षा अच्छे से कर सकें? देखिए यदि वेव थ्री आती है और बहुत दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है तो हमारे पास अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए और उनको त्वरित भर्ती करने के बाद जो भी प्राथमिकता से इलाज किया जाना है उसकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बहुत कमी है शिशु रोग विशेषज्ञ की, बहुत एक्सपर्ट लोग जो इंटेंसिव केयर में बच्चों को देख सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम एक पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्स के साथ जो जनरल फिजिशियन है उनकी भी एक ट्रेनिंग पहले से कर लें, दवाइयां जो लगने वाली है उसके बारे में हम विचार कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि बहुत शुरुआती स्टेज में जो इसके लक्षण होंगे उनके पहचानने के लिए सामाजिक अभियान चलाए जाने की जरूरत है ताकि शुरुआती स्टेज में ऐसे बच्चों को पहचान के उनका इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। ओके, और डॉक्टर साहब, हाल में ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सभी नागरिकों को जो 18 वर्ष के उम्र 18 से ऊपर के हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, पर इस घोषणा में बच्चों के लिए कोई राहत नहीं है। अभी तक सरकार ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है जिसमें बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाए या इसकी कोई घोषणा हुई है, तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा नेक्स्ट वेव में और सरकार को बच्चों के लिए वैक्सीन बनाना और उसको बच्चों तक देने का काम कितना जल्दी करना चाहिए? देखिए बच्चों के लिए वैक्सीन अभी विदेशों में बहुत ट्रायल के स्टेज में है,
18 वर्ष से कम उम्र के वर्ग को विदेशों में भी अभी बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन देना नहीं शुरू किया गया, लेकिन हाँ उनके पास विकल्प मौजूद है। निकट भविष्य में विदेश के बहुत सारे देश वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन भारत में लगता है कि ये पार्टी नहीं है, इसलिए शुरू नहीं किया गया है। बहुत जरूरी होगा कि भारत में भी ऐसे वैक्सीन का ट्रायल हो, ताकि जब फेज 3 ट्रायल हो, भले वो विदेशी वैक्सीन हो, तो जब भारतीय रेस में उसका ट्रायल सफल हो जाएगा तभी हम लोग उसको लगा पाएंगे। ये बहुत प्रायोरिटी में लिया जाने वाला प्रोजेक्ट था और मुझे लगता है कि भारत सरकार का ध्यान अभी इस तरफ नहीं है, लेकिन फिर भी यदि सामाजिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक दलों का और डॉक्टर्स का दबाव रहेगा तो भारत सरकार इसको फेज 3 ट्रायल में लेने को बाध्य होगी और ये बहुत जल्दी आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोविड के पहले और दूसरे वेव में आईवाईसी के वॉलंटियर्स ने बहुत लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया है। आप हमारे आईवाईसी वॉलंटियर्स के लिए क्या सजेशंस, क्या सुझाव देना चाहते हैं जो उन्हें मददगार रहे कि वो बच्चों की कैसे आने वाले दिनों में मदद कर सकें? देखिए, वेव 1 और वेव 2 में इंडियन यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है और कुछ कार्यकर्ता और नेता तो समाज में एक आइकॉन के रूप में उभरे हैं, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे लगता है कि जब कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता समाज में काम करने जाता है और बहुत तन्मयता से काम करता है तो उस राजनीतिक दल की विचारधारा समाज के साथ जुड़ती है और ज्यादा से ज्यादा समाज के लोग उसके साथ जुड़ते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि समाज के बीच उतर के काम करना क्योंकि आपदा का वक्त है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है और वेव 3 की यदि तैयारी है तो हमें जो सोशल एंग्जायटी वाला पार्ट है वो दूर करने के लिए समाज के साथ जुड़े रहना है और यदि वेव 3 कभी आती है तो समाज के साथ जुड़ाव वेव 3 को रोकने में हमें मदद करेगी। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ये सारी बातचीत हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत मददगार रहेंगी। मुझे इस टॉक में जुड़े जाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो काम हम लोगों ने इंडियन यूथ कांग्रेस के माध्यम से लिया है उसका फैलाव पूरे देश में होगा और समाज यूथ कांग्रेस के साथ जुड़कर कोरोना को हराने में पूरे देश की मदद करेगा।